ठीक है, डन। डन। ओके नाउ ई टू एंटायर एलिमिनेशन होता है, रेट कांस्टेंट, एक बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब चक्कर क्या है, ई टू एलिमिनेशन के अंदर अगर तुम देखो तो यार यह है लीविंग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, करेक्ट। सर मेरे को एक डाउट था, मेरे को एक डाउट है, बेस जो है वो अगर H+ ले रहा है, वो पाई बॉन्ड बना रहा है और ये निकल रहा है, सोचो तो अगर हैलोजन की जगह मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता तो इजिली कौन लीव करता? अगर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन है तो इजिली लीव कौन करता? आयोडीन। हाँ तो जो रेट होता तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल होता? आयोडीन या तो सी आई बॉन्ड का स्ट्रॉन्गर होता। आयोडीन इनटू बेस। उसके बाद सोचो एक और चीज, पहले खत्म करने देना वेदू, फिर अपना डाउट पूछो। अब सोचो रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करेगा। सपोज करो मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, मेरे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। कितने बीटा कार्बन है इधर, कितने बीटा हाइड्रोजन है? नाइन। इधर कितने बीटा कार्बन है? छ। दो दो। हाइड्रोजन कितने हैं? दो कार्बन। ओके यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? तीन। तीन हाइड्रोजन, राइट। अब एक बताओ, जब बेस यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना रहा होगा तो हैलोजन लीव कर रहा होगा, और जो डेल्टा बॉन्ड बन रहा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा होगा, वो तुम्हारा यहां से बन रहा है, गेटिंग इट? ऐसे। अब एक बार बता, ये पार्शियल पाई बॉन्ड छह हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कर रहा, ये पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो पार्शियल पाई बॉन्ड बन रहा होगा वो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कर रहे होंगे? कितने? तीन। तीन। और उस वाले के अंदर एक भी नहीं। हाँ एक ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ एक मिनट हो जाएगा ना,
ओके लिसन, यहाँ पे एक भी नहीं, राइट? नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मुझे बताओ कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? टर्शियरी, राइट? नाउ अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड वन थिंग, तो कौन सा रिएक्शन रेट ज्यादा होगा? कौन सा रिएक्शन रेट ज्यादा होगा? गेटिंग इट? मतलब आज के बाद अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है तो नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर चेक करने पड़ेंगे, बोलो हाँ वाला, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चेक करना पड़ेगा, गेटिंग अ पॉइंट? बिकॉज रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल करता है हाइपरकॉन्जुगेशन, एग्रीड? हाँ हाँ चलो अब मुझे बताओ क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारे डाउट्स क्या? या सर, मैं ये पूछ रहा था कि इवन और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों में तो बेस ही यूज होता है। वेदू, वी विल डू ई टू वर्सेस एस एन टू, ठीक है, इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर, अंडरस्टूड? और कुछ? सर ई टू वर्सेस ई वन कैसे करें? अरे बेटा वो भी करवा देंगे, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन सब करवा देंगे, टेंशन नहीं उसमें, है ना? अच्छा ठीक है, अभी समझ में आया ई टू का? सम पिक्यूलियर ई टू एलिमिनेशन, अब चक्कर क्या है, एक होता है डिहैलोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब ऑफ हैलोजिन, गेटिंग इट? अंडरस्टूड? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव योर जिंक, व्हाट जिंक विल डू, जिंक विल रिमूव दिस क्लोरीन, and understand one thing, removal of chlorine will be entire periplanar, again it is entire periplanar, so dono chlorine chale jate hain and you will be getting C double bond C plus ZnCl2, baat samajh mein aayi? baat samajh mein aayi? ab socho, dekho कोई भी हैलोजन होता है ना, कोई भी हैलोजन अगर वो डबल बॉन्ड के पास जाता है, नेगेटिव चार्ज के पास जाता है, हैलोजन की ना टूटने की टेंडेंसी होती है, होता क्या है, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो इस सिग्मा बॉन्डेड को इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? अगर वो रिपेल कर रहा है तो क्या होगा, इट मूव टूवर्ड्स दैट हैलोजन, राइट? तो यहाँ पे सी एल डेल्टा पॉजिटिव आएगा एंड सी एल डेल्टा नेगेटिव आएगा, अंडरस्टूड? और उसके बाद सी एल नेगेटिव निकल जाएगा, बचेगा क्या, सी एल पॉजिटिव, अंडरस्टूड? 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 यस, हाँ यस, हाँ अभी सुनो, होता क्या है, सिमिलरली जिंक की ना टेंडेंसी होती है कि वो ना दो इलेक्ट्रॉन देता है, अंडरस्टूड? जब ये दो इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लोरीन के पास आएंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा, तो यहाँ से क्या निकलना चाहेगा, Cl what? Cl what? Minus. कैसे यार, जब ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं तो Cl माइनस कैसे निकलेगा? ओ Cl प्लस, हाँ रे, कैसी बातें कर रहे हो, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिपेल कर रहे हैं ना इसको, हाँ, तो हाँ. ये जब क्लोरीन इसके पास अट्रैक्ट हो रहा है ना,
तो सीएल डेल्टा पॉजिटिव निकलेगा, जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव काफी होता है ना गुड लिविंग ग्रुप के लिए पाई बॉन्ड बनाने में और रिलीव करने के लिए। हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड या मेरे पास आ जाएगा सी डबल बॉन्ड सी। अंडरस्टूड चले आगे। एक मिनट ये देखना, एक मिनट। हाँ देखो देखो कोई नहीं, बस ये याद रखना कि एंटायर पेरिप्लेनर होता है। So I have a question. E2 is always elimination. Yeah. Always मतलब एक हमेशा निकाल के ही करेगा substitution को सही। Yeah. Okay. हो गया। Done. Yes. चले आगे। अब सुनो चक्कर क्या है, एफ पॉजिटिव कभी निकलते हुए देखा कहीं से? एफ पॉजिटिव निकलते हुए देखा कभी? नहीं ना। सुनो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये आयोडीन है और ये आयोडीन है। इसको निकालने के लिए जिंक डाला तो ZnCl2 निकला, एंटायर पेरिप्लेनर, राइट? इसको निकाला एंटायर पेरिप्लेनर। एंड इधर बेटा एफ डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है क्या? एफ डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ नहीं ना। तो यहाँ पे ना नो रिएक्शन, और आयोडीनेशन ना रिवर्सिबल होता है। अंडरस्टूड? हाँ। होता क्या, उसके लिए जिंक की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आई पॉजिटिव निकलता है अपने आप ही, डबल बॉन्ड बनता है और आई माइनस निकलता है और सी डबल बॉन्ड सी बनता है। गेटिंग इट? सो वापस क्या बताओ ना, आयोडीन वाला आप? आयोडीन वाला मैं कह रहा हूँ, आयोडीन के अंदर ना इट इज रिवर्सिबल, मतलब उसके लिए जिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है, अपने आप ही आई टू निकलता है, आई प्लस एंड आई माइनस बन के एंड सी डबल बॉन्ड सी बनता है। उसके लिए मुझे जिंक की जरूरत नहीं होती, बिकॉज सी आई बॉन्ड बहुत वीक होता है और जो नया आई टू बॉन्ड बनता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। गेटिंग इट? हाँ जी सर, मैं समझा नहीं है फ्लोरीन वाला क्यों नहीं होता बेटा। एफ पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है क्या? बिकॉज सोचो अगर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ब्रोमीन के पास तो यहाँ से क्या निकल रहा है, बी आर पॉजिटिव निकल रहा है ना, तब जाके डेल्टा नेगेटिव चार्ज जाएगा तो पाई बॉन्ड बनेगा और निकलेगा, करेक्ट? क्या बेटा होता क्या है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास जाते हैं तो ब्रोमीन जो है वो क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन बी आर डेल्टा पॉजिटिव निकालता है ना बाहर की तरफ। अगर बी आर डेल्टा पॉजिटिव निकल रहा है तो यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा नेगेटिव साइन बनता है, जो कि काफी होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए और बी आर माइनस निकलने के लिए। गेटिंग इट? गेटिंग इट? नहीं। अरे यार ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं तुम? ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करे कि रिपेल कर रहे हैं? रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करें तो यहाँ से कौन सी चीज निकल रही होगी, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव एग्जिस्ट करता बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? नहीं। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होगा? नहीं। वेरी गुड। आयोडीनेशन में ना क्लोरीन इज आल्सो वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाई डस क्लोरीन आल्सो डू द सेम, बट सीएल पॉजिटिव डज एग्जिस्ट, राइट? हाँ हाँ वो भी है ना, एफ पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा और फिर डेल्टा जो होगा वो बहुत हाई होगा, इससे होता ही नहीं। ओके
डन। हाँ हम लिखने थे। हाँ अरे हाँ समझ में आई। चले आगे ना। अब सुनो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास। ये है आयोडीन तुम्हारी तरफ, आयोडीन पीछे की तरफ, और आयोडीन पीछे की तरफ, और CH3 तुम्हारी तरफ। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। पहला हाँ और तीसरा आयोडीन निकलेगा। अमर बोल मत ना प्लीज, क्या 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 क्या। अरे सॉरी वेदांत, वेरी सॉरी। बोल मत यार तू अमर। बताओगे अरे अरे बता लो भड़क। लोग आजकल वेदांत लो हो गया तेरे लिए। मैं आप भी तो भड़क गए ना। अरे क्या भड़का, मैं तो सपोर्ट में था। अच्छा तेरे को खुशी, खफा मैं बस मुझसे ये है बोल रहा राइट। हूँ कि सोचने वेदांत दे, तू चैट पे वेदांत लिख के वेदांत वेदांत ना। वेदांत हाँ वेदांत सर, लिख। हाँ सर, यू कैन स्पीक, आई विल नॉट हाँ इंटरप्ट इन बिटवीन यू गाइस। तुम करो तो करता। अगे बताओ जरा कौन से लीव करेंगे। तो कोई भी लीव कर सकता है। वाओ रिमूव डिहैलोजिनेशन इज व्हाट अमर। रिमूवल ऑफ द हैलोजन। रिमूवल ऑफ हैलोजन राइट। रिमूवल ऑफ हैलोजन शुड बी व्हाट। एंटायर पेरिप्लेन और फर्स्ट तो कौन से एंटायर पेरिप्लेनर हैं। कोई भी रिमूव करेगा विधान। एंड सेकंड या फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो मेजर रहेगा वो मैंने बोला था, लेकिन लोग भड़क गए। विधान ओ विधान भड़का हाँ मत कर यार। अरे सर, मैं भड़क नहीं रहा हूँ, सिंपल से उसको अरे रिक्वेस्ट किया कि सोचने दे। अच्छा एवरीवन हर्ष हर्ष नहीं समझ में आए। अच्छा Yes. ओके चलो सुनो। हाँ आई विल डू दैट वेदांत अमर। अच्छा वाला ओए इसका फाइनल प्रोडक्ट बताओ। जनरली हीट करोगे तो रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाती है डीआयोडीनेशन। ऐसा क्यों वेदू, और कोई एंटा बेरी प्लेयर नहीं है क्या इधर। सिर्फ बाजू के ही एंटा पेरिप्लेन और क्यों और निकलेंगे साथ साथ में, बेटा मतलब बाजू के ही अंदर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बनता है ना। हाँ मंजे जी मेरे समझाने। अच्छा लाल, बाजू से ही तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव निकलता है। अरे डेल्टा नेगेटिव बनेगा और बाजू में तुम्हारा डेल्टा क्लोरीन लगा होगा तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पाई बॉन्ड बनेगा और CL निकलेगा ना। अब सुपरमैन तो है नहीं, नहीं इलेक्ट्रॉन कि वो जंप करके क्लोरीन को निकाल देगा।
अच्छा तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? या दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो पाई बॉन्ड बन रहा है। अंटे अनलेस यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव नहीं बनेगा तो पाई बॉन्ड बन के कैसे निकलेगा राइट? अरे हाँ हाँ मैं बहुत स्टूपिड चीज किया एक्चुअली। हाँ ठीक है कोई नहीं चलेगा। अच्छा वेदांत मेरे को तो नीचे ज्यादा लग रहा है। वो सब ऊपर से अटैक नहीं कर सकता, वो इधर एक मेजर और माइनर प्रोडक्ट अटैक तो कोई कर ही नहीं रहा, सिर्फ निकल रहा है वो, कर ही नहीं रहा, हीट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का तुमको क्या नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस पता है ना? इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा राइट, जब जिंक देगा उनको तो नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत बड़ा साइज होता है जो स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, आई प्लस कैसे निकलेगा राइट? बात करो गाइस, बताओगे जल्दी आंसर क्या है? सुनो एवरीवन, ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ठीक है, इसके अंदर सोचो जो रिंग है ना, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया है। कभी हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कहीं पे लगाया था साइक्लोहेक्सेन के अंदर, उसका कोई खास बात थी क्या? थी साइक्लोहेक्सेन के अंदर ना जब टर्शियरी ब्यूटाइल लगाते हैं ना तो बहुत अच्छी चीज होती है, वो क्या होती है? हर्ष एनी आइडिया क्या होता बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ, क्यों बीमार आदमी को परेशान कर रहे हो? हाँ आवाज नहीं आ रही हर्ष। हर्ष कांट हेयर यू, नहीं पता, नहीं पता हर्ष नहीं। तो आप किस रेफरेंस में पूछ? मैं हर एक रेफरेंस में पूछ रहा हूँ, हमने एक ही बार यूज किया। आदि इज गॉन। हाँ आई हैव जस्ट सीन हिम, उसको लगा मैं उससे पूछूंगा। आदि स्मार्ट, आदि ने प्रेडिक्ट कर दिया कि अभी उसका टाइम आएगा। यार ये क्या है? उसके बाजू में ज्योतिष बैठा है, उसको बताता है कभी सर पूछने वाले हैं कभी नहीं पूछेंगे। अच्छा सुनो, हमने ना साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना कह रहा जिसको हम रिंग फ्लिपिंग कहते हैं। तो आदि आ गया, कोई कुछ मत बोलना। आदि 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 योर नेटवर्क इज फाइन। आदि एम ऑडिबल? आदि तू भविष्यवाणी कर सकता है, सच सच बोला। मैं कह रहा हूँ ये क्या करेगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप साइक्लोहेक्सेन में? जस्ट ऑन राइट टाइम यू केम, यू नो दैट आई वाज अबाउट टू आस्क फ्रॉम यू, बताओ जरा कब आएगा, क्या आएगा तो? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप साइक्लोहेक्सेन में क्या करता है ऐसा अजीब सा? आदि तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो सर एक सेकंड हो गया, आप बता। आधी 10 सेकंड हो गए, बता ना। आधी एक घंटा बोल सर, मुझे नहीं मालूम है सर, नहीं मालूम है तेरे को। वेदांत ऐसा क्या होता है ना रिंग फ्लिपिंग के अंदर? एक्चुअल इक्वेटोरियल पे चले जाएगा। हाँ एक्चुअल इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। एक बात बताओ, साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करोगे तो ठीक है, नंबरिंग कर लो, एक कार्बन नंबर 41 ले लो ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी वेयर आई विल पुट दैट बल्कियस्ट ग्रुप इन ऑर्डर टू हैव अ स्टेबल साइक्लोहेक्सेन। इक्वेटोरियल पोजीशन, वेयर द हेल विल बी इक्वेटोरियल पोजीशन? अपवर्ड। हां जी अपवर्ड, अपवर्ड। हियर हियर CCH3 होल थ्राइस। अब ये सेम साइड पे सिस है,
एक्सियल के सेकंड पोजीशन पे सिस कब होगा? ओ सॉरी, इक्वेटोरियल के सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो? एक्सियल, एक्सियल ऊपर की तरफ ही, एक्सियल। अब ट्रांस क्या होगा इस इक्वेटो, इस एक्सियल का ट्रांस क्या होगा इधर? एक्सियल। इस एक्सियल का सिस क्या होगा? इक्वेटोरियल। एक्सियल के ऊपर जाएगा ना, ट्रांस जाएगा रे हल्का, इक्वेटोरियल आएगा ना नीचे, और यहाँ क्या जाएगा? इक्वेटोरियल। तो एक बात बता, इस आयोडीन और इस आयोडीन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना? 120। मानो पकड़े खींच के बैठा हो जाएगा। ओ 60 60। तो बड़ा करे उस पे। ओ ओ हमारे, ओ मतलब दोनों साइड में प्रॉब्लम है। भड़कने का नहीं, देखो भड़कने से प्रॉब्लम है। अरे रहने तो। ए कितना बॉन्ड एंगल है? 60 60। तो क्या जाएगा कि एंटी पेरिप्लेनर होगा ये? नहीं। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्यों हुआ है? 180 180। कौन 180 है? ये दोनों निकलेंगे, ये दोनों निकलेंगे। Vedant, I was very happy when you gave this answer initially, you know what? But in the deep inside my heart, no, I had that feeling that you are having misconception. Reasoning issues. और फिर सर भड़क गए। अरे अमर, present. तो सुन में आया ये? नहीं। नहीं सुन में? मैं पूछने ही वाला था अभी। क्या के हुआ कैसे इधर रिंग फ्लिपिंग क्यों हुआ? मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा। रिंग फ्लिपिंग कहाँ हुआ? मैं तो स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन बनाया था। रिंग फ्लिपिंग तो कर भी नहीं सकता बिकॉज़ बल्कि इस लोग एक्सियल पे आ जाएगा जो मैं चाहता नहीं। मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। द स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी द वन ना वेयर द बल्कि इस मॉलिक्यूल विल बी या एड एक्सियल। नो नो एड इक्वेटोरियल। हां देन से उसका एक और स्ट्रक्चर बना और फिर ये कैसे आया? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे साइड पे आयोडीन है दोनों वो क्यों नहीं करते? मतलब एक माइनर प्रोडक्ट भी तो बनता। नहीं नहीं बनेगा क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल पे हैं और एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है 180 डिग्री। अरे हाँ हाँ अभी वही डिस्कस किया था, सॉरी। ओके ओके गॉट इट। आगे चले गाइस, लिसन। हाँ सर, आपको पता है हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म में कि व्हाई इज द बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन वेरी स्टेबल। तो एक ऑप्शन में लिखा है इट फ्लोट्स ऑन वाटर, हमारे मॉड्यूल में है, प्रीवियसली आस्क्ड जेई क्वेश्चंस में, जेई 2003। हो सकता है, क्या कर सकते हैं बताओ। और वो अगले साल सेम चीज आया, फिर से क्वेश्चन सिमिलर था और ऑप्शन में भी वही लिखा था इट फ्लोट्स ऑन वाटर। अच्छा हां, बोट फॉर्म ऑफ दिस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके नाउ आंसर बताओ। तो आपने उसको सर्कल क्यों किया? सर्कल नहीं किया है, ड्यूटेरियम डाला है। नहीं नहीं नहीं, अल्कोहलिक केएच को सर्कल क्यों किया? ऐसे नहीं, कोई जेन्युइन रीजन नहीं, मतलब ऐसे मन किया डाल दिया। ये क्या लिखा? ऑल स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लाई
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, अब ये क्या है? आपको कुछ भेजा? अच्छा बहुत गलत है ना। कौन से दोनों जगह पे बेटा? ऊपर वाला CHC और CL एक बनाएगा और फिर दूसरा वाला। अच्छा बहुत गलत है ना? नहीं सही है। नहीं मेजर कौन सा होगा? मेजर मेजर भेजा सही है क्या? हाँ थैंक यू। वेदू नहीं, हर्ष हर्ष ने गिव मी योर आंसर एंड आदि प्लीज कैन यू टाइप द आंसर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट राइट। इट्स बेटर यू स्टार्ट गिविंग मी द आंसर राइट नाउ अदरवाइज आई विल कम टू योर प्लेस एंड क्रैश यू नाइसली। Write down this thing fast. Vedant, check it again. Sir. Hi Sashni, give me the answer fast. अरे एक और गया, कौन गया अभी? आदि। ऑफ कोर्स चले आगे सॉल्व करें इसको, बहुत टाइम लगाते हो यार। मुझे बताओ टर्शियरी ब्यूटाइल को कहाँ डालूं? एक्सियल की इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। एवरीवन एग्रीड टू दैट पॉइंट। हाँ। ये सिस में है, तो ये कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल। यहाँ पे सॉरी ये ट्रांस में है, इक्वेटोरियल जाएगा। ये ट्रांस में कहाँ जाएगा? एक्सियल। वाह अगर एक्सियल जाएगा इक्वेटोरियल सॉरी उसके बाद वाला एक्सियल तो मतलब एलिमिनेशन बदतमीजी ये करेगा राइट। हाँ तो यहाँ पे मेरे पास एक्सियल हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक एक्सियल हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 एग्री। हाँ
are these saying my modem is not working? Cool, no? गलत हो गया. हाँ जी, कौन सा हाइड्रोजन कौन सा, माय गुडनेस माय फॉल्ट, एक गलती कर दी मैंने. मैं तो बताया भी नहीं ना कोई. क्या हुआ? अब मुझे बताओ, ये क्लोरीन एक्सियल है, इसके एंटायर पोजीशन पे ना हाइड्रोजन होना चाहिए. तो ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, राइट? कौन सा हाइड्रोजन लीव करेगा, आई मीन पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ बनाओ कि यहाँ बनाओ, वन या टू? अरे बोलोगे, जब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? बहुत. अगर यहाँ पाई बॉन्ड बनाया तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा दो. और अगर यहाँ पाई बॉन्ड बना तो दो प्लस एक तीन प्लस तीन छह, अगर यहाँ पाई बॉन्ड बना दो तो ये वाला क्लोरीन और ये हाइड्रोजन लीव करेगा, या ये वाला क्लोरीन और इसके पीछे वाला हाइड्रोजन लीव करेगा? कौन कौन लीव करेगा दादा, वन और टू? CH3 वाला. तो आंसर क्या आएगा? एग्रीड. आयोडीन को क्यों एलिमिनेट कर रहे थे? Because I2 spontaneously लीव करता है. You don't require zinc. जब भी विसिनल आयोडीन होता है, एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन होता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू लीव. ओके, यू डोंट रिक्वायर एनी जिंक कैटलिस्ट ओवर देयर. अंडरस्टूड? अ जिंक रिएजेंट एज अ मॉलिक्यूल ओवर देयर. अच्छा, कोई डाउट? डन. Now, major product क्या है, सेट्जब या हॉफमैन? सेट्जब. Now understand reaction where हॉफमैन product is major. हेलो, इन केस ऑफ बल्की बेस, एग्जाम्पल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाइमिथाइल अमाइड और डाई अल्काइल अमाइड, और एक होता है तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, LDA, इसे बोलते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड. लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड. एग्जाम्पल अमाइड है एन माइनस, उसमें दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप. तो लिथियम ये तो कैटायन है, एनीवेज यूजलेस है. डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड. अंडरस्टूड? सो तुम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लो, तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लो, सोडियम सेकेंडरी अमाइड ले लो, या लिथियम सेकेंडरी अमाइड ले लो, कोई डाउट? ये सारे बल्की बेसिस के अंदर आएंगे. तभी भी ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने जाएगा
So it will have large amount of steric hindrance. Correct? Yeah. Now, please help me. Please help me for God's sake, right? I do have a chlorine over here and I have a beta hydrogen here and I have a beta hydrogen here. Now just tell me from where, see, this is beta carbon, this is beta carbon. Now this is less sterically hindered, this is sterically hindered because I do have a steric hindrance over here. Bolo, haan. Ye andar hai molecule ke, ye bahar hai hydrogen, right? Jab base yahan se hydrogen extract karne ki koshish karega, to ye jo CH3 groups hai iske paas, वो इस मॉलिक्यूल के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर जो बल्की बेस है, अगर वो यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? तो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा बेस ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा हाइड्रोजन को? अरे कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? हॉफमैन हाइड्रोजन या सेट्ज़ेप हाइड्रोजन? हॉफमैन। हॉफमैन तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ से H+ निकलेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, Cl- निकल जाएगा, तो आई विल गेट C डबल बॉन्ड C C C. दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट. अंडरस्टूड गाइस? कुड यू रिपीट वंस मोर? बेटा द थिंग इज आई डू हैव अ बल्की बेस. व्हेन द बल्की बेस इज एक्सट्रैक्टिंग H डेल्टा पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, दिस कार्बन, this hydrogen is like away at the last of this whole entire molecule, this bulky molecule and this bulky molecule is like at 180 degree to each other. Will it cause any steric hindrance here? No. Very good. If it's attracting hydrogen from here, so there will be large amount of steric hindrance, yes or no? Yeah. Agar steric hindrance hogi to molecule jab ye base H+ nikalega, to it will be easy or difficult? Difficult. So where will it form? Pi bond. Hoffman, right? वेरी गुड. आगे चलें. इन केस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप, लेट्स से आई हैव फ्लोरीन, इट इज लाइक अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप. I can have OCH3, again a very bad leaving group. I'm using a paste, not an acid. So OCH3 cannot get activated, you know. I have F minus, very weak leaving group, very bad leaving group. OCH3 minus, very good base, very bad leaving group. Your NCH3, CH3, again N minus charge is a very strong base. Again, a very bad leaving group. Agreed? So whenever I have a very bad leaving group, I want that bad leaving group should leave. Agreed? Yeah. So I'll be using a very strong base for E2 elimination. Let's say the base which I'm using is sodamide, NaNH2. I can use alcoholic KOH also. Not a big deal. Okay? Now understand that. Tell me, this is a Hoffman hydrogen, this is Sedzef hydrogen. Which hydrogen is more acidic? Are Hoffman hydrogen zyada acidic hai ya Sedzef hydrogen zyada acidic hai? Hoffman. Agar Hoffman hydrogen zyada acidic hai, to wo H+ easily leave karega, zyada leave karega कि ये वीक एसिड ज्यादा लीव करेगा. अरे ज्यादा दूर कौन जाएगा अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो? H+ बन के ज्यादा दूर कौन निकलेगा? हॉफमैन की सेट से मैंने क्या बोला? अगर क्या 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 नहीं समझा तेरे को? हॉफमैन क्यों ज्यादा एसिडिक है? बेटा अगर नेगेटिव चार्ज डालोगे ना दोनों कार्बन पे, तो तुमको एक चीज पता लगेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ई, चाहे वो इन तीनों में से कोई भी हो, विल डू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? अगर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों साइड सेम है, ये अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है ना, बढ़ा रहा है, राइट? ओके. तो
तो ये ज्यादा अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज हो गया, स्टेबल नेगेटिव चार्ज हो गया तो ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज अगर ये हो गया तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? हॉफमैन। अगर ये हॉफमैन हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा तो दूर कौन जाएगा मॉलिक्यूल के? H+ इजीली लीव करेगा कि हॉफमैन वाला सेट्स वाला हाइड्रोजन इजीली लीव करेगा? हॉफमैन वाला। अच्छा हॉफमैन वाला अगर दूर इजीली जा रहा है तो ज्यादा दूर जाएगा, ज्यादा दूर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा, इतना ज्यादा होगा कि वो पार्शियल पाई बॉन्ड बनाएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि बैड लिविंग ग्रुप लीव कर सके। अगर ये थोड़ा दूर जा रहा है कम नेगेटिव चार्ज आएगा, कम बॉन्ड एनर्जी आएगी, लीव नहीं कर पाएगा। ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है इजिली बॉन्ड बनेगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगी और इजिली लीव कर पाएगा। बोलो हाँ। तो अगर इन केस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप विच प्रोडक्ट विल बी मेजर? हॉफमैन राइट, एग्रीड? या वेरी गुड, आगे चलें। चलो ग्रेट, सेकेंड थर्ड 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 एग्जाम्पल इन केस ऑफ, इन केस वेयर शेड्स ऑफ हाइड्रोजन इज हिंडर्ड। सोचो तुम नॉर्मल बेस यूज कर रहे हो, एल्कोक्साइड यूज कर लिया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जब एल्कोक्साइड यहां से H+ निकालेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा कि नहीं करेगा इस पे? मतलब ये बल्कि नहीं है, इस बार मैंने क्या किया, इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन में बल्किनेस बढ़ा दिया, राइट? तो इस हाइड्रोजन को स्टेरिकली हिंडर्ड कर दिया, अंडरस्टूड? तो जो बेस है वो कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा? हॉफमैन। जो बेस है वो इजिली हॉफमैन हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, निकल जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी 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 और सी बनेगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? समझ में आई बात? सम पिक्यूलियर Hoffman elimination. Example है, standard example Hoffman elimination के। पहला standard example है from quaternary ammonium salt. एक बात बताओ, मैंने ना अमोनिया लिया, क्या लिया? अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस दो बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल है इसलिए वीक बेस है। मैंने इसको रिएक्ट करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ऑब्वियसली क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा यहाँ? नाम भूल दिया है ना, जब एस एन टू अटैक करेगा सीएल माइनस लीव करेगा कि नहीं करेगा? जब सीएल माइनस लीव करेगा तो मेरे पास आएगा सी सी एल माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास एन पॉजिटिव एच एच और एच। यार एक बात बताओ, एन पॉजिटिव एच अनस्टेबल होता तो क्या होता? एन पॉजिटिव अनस्टेबल होता तो क्या होता? एच निकल जाएगा, सी एल प्लस लीव करता है और ये न्यूट्रल बन जाता है, राइट? हाँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी एच
थ्री एन एच टू, कोई डाउट? तो इन शॉर्ट क्या हुआ, यहां से एच गया, यहां से सी एल गया और ये नाइट्रोजन सी एच थ्री के साथ जुड़ गया, कोई डाउट? यार एक बार अटैक होने के बाद दोबारा से इसके पास इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, दोबारा से न्यूक्लियोफाइल बना कि नहीं बना? हाँ. अगर दोबारा से न्यूक्लियोफाइल बना, तुमने इथाइल क्लोराइड डाल दिया, तो अगेन ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, सी एल माइनस लीव करेगा, बोलो हाँ या ना? अगेन यहाँ से एच प्लस निकलेगा और यहाँ से सी एल माइनस निकलेगा, तो क्या आएगा? एन एच सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री एंड सी एच टू सी एच थ्री, कोई डाउट? अगेन मेरे पास एक लोन पेयर आ गया, करेक्ट? ऐसा अगर H प्लस लीव करेगा दोबारा से लोन पेयर आ जाएगा ना? अगेन तुमने क्या किया, इसके साथ सी एच थ्री सी एच टू सी एल डाल दिया, अगेन ये इसने बैक से अटैक किया इस पे, अगेन सी एल माइनस निकला, अगेन यहाँ से सी एल गया और एन पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ से एच गया, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, तो तुम्हारे पास एच सी एल निकलेगा, तो नाइट्रोजन आया सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, अगेन मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आया, अगेन तुमने इसको क्या किया, सी एच थ्री सी एल के साथ रिएक्ट करवा दिया, अगर इसको मैं एक्सेस में डालता हूँ ना, तो इसको बोला जाता है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हाँ बताता हूँ एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में फर्क क्या होता है, ये अटैक करेगा सी एल निकल जाएगा, बट यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है क्या, तो तुम्हारे पास जब ये अटैक करेगा तो मेरे पास आ जाएगा N पॉजिटिव सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, कोई डाउट? इसे बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्या बोला जाता? क्वार्टनरी अमोनियम, और हाँ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट ना तुम्हारा हॉफमैन एलिमिनेशन देते हैं, अभी तक हमने ना क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनता हुआ देखा, जिसके अंदर अमोनिया बार बार SN2 करवा के अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है और HCl निकल रहा है, लास्ट में मेरे पास H नहीं था तो इसलिए फाइनली अटैक करके N पॉजिटिव का N पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसे क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बोला जाता है। Have I made myself clear? Yeah. Understood? अब क्या होता है क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में, किसी भी क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट को ना क्या करोगे, कोई भी क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट आई एम यूजिंग हियर मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है Ag2O इन वाटर, Ag2O इन वाटर का मतलब होता है O2 माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करके 2AgOH बनाता है, तो मतलब मेरे पास OH माइनस बना कि नहीं बना? हाँ, तो बेस डाल दिया ना, अब ध्यान से सुनना, व्हाट विल डू, इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एंटायर एलिमिनेशन, बेस विल एक्सट्रैक्ट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, एंड पाई बॉन्ड विल फॉर्म, and N positive will leave. तुम moist Ag2O use करो, तुम NaOH use करो, तुम KOH use करो, तुम alcoholic KOH use करो, तुम sodamide use करो, मुझे मतलब किससे है, मुझे मतलब किससे है? मुझे मतलब किससे, अगर मैं
ना ना बेस से, किससे मतलब है बेटा? ओ बेस, हाँ बेस डालो ना हर जगह, चाहे तो मॉइस्ट ईजीपी वो डाल लो चाहे कुछ भी डाल लो, करेक्ट? हाँ फाइनली तुम तो बेस ही डाल रहे हो ना, तो बेस क्या करता है? एंटायर पेरिप्लेनस, राइट? या तो यहाँ पे एन पॉजिटिव आएगा, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ सी एच थ्री, यहाँ सी थ्री एच सेवन, और यहाँ से एच निकलेगा, राइट? तो ओ एच माइनस क्या करेगा यहाँ से, एच डेल्टा पॉजिटिव निकल, अच्छा बन सके। पहले तो ये बताओ इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, छोड़ो उसको मैं तो गलती कर दिया, पहले तो बताओ मुझे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, एन पॉजिटिव इज अ लीविंग ग्रुप, बोलो हाँ या ना? अरे नाइट्रोजन विद अ पॉजिटिव चार्ज लीविंग ग्रुप ना, तो यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन लगा हो तो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, यहाँ पे ऊपर एक कार्बन लगा हो उसे भी अल्फा कार्बन कहेंगे, यहाँ पे दो कार्बन लगे हो तो यहाँ पे अल्फा आएगा और बीटा आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, ये बीटा आएगा, ये गामा आएगा। एलिमिनेशन में ये सारी बीटा एलिमिनेशन है या कोई और एलिमिनेशन? बीटा। तो तुम्हें बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर चेक करना है, राइट? तो तुम मुझे बताओ कि बीटा कार्बन कौन सा एसिडिक है इसके अंदर, इथाइल वाला, प्रोपाइल वाला, अल्फा, मतलब मिथाइल वाले में तो बीटा है ही नहीं, तो भूल जाओ, तुम्हारे पास दो ही बीटा हाइड्रोजन है, यू हैव टू टेल मी व्हिच वन इज मोर एसिडिक। प्रोपाइल एन पॉजिटिव है विच इज अ लीविंग ग्रुप, राइट? और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी लीविंग ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करता है कि नहीं करता? जैसे हैलोजन तुम्हारा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करता है ना, कोई भी लीविंग ग्रुप रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। ओ बीटा कार्बन पे ना नेगेटिव चार्ज डाल दो, नाउ जस्ट टेल मी विच बीटा कार्बन इज लाइक विच विल हैव लाइक लेस नेगेटिव चार्ज, इथाइल वाला कि प्रोपाइल वाला? जब नेगेटिव चार्ज डालोगे तो यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट? तो कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? प्रोपाइल वाला। प्रोपाइल वाला, अगर प्रोपाइल वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? प्रोपाइल वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, राइट? हर्ष, प्रोपाइल वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि इथाइल वाला? इथाइल, ऐसा क्यों? सी एच थ्री का जो प्लस साइन इफेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? बड़ा। वेरी गुड वेदांत, ये ज्यादा स्टेबल कैसे बताना मेरे को, आई वांट टू नो। सो मैंने सोचा सी एच थ्री वाला हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, पर नेगेटिव के साथ नहीं होता है। सही है तुम्हारा, मतलब यार तुम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाते हो, क्या बोला था कि तुम लोग, क्या कि तुम लोग नेगेटिव चार्ज के साथ भी क्या करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, याद है? ओके ओके लिसन, नहीं अभी क्या होगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा या ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है यार, इथाइल वाला प्रोपाइल वाला? इथाइल वाला, तो ओ एच माइनस क्या करेगा, यहां से एच प्लस निकालेगा कि नहीं निकालेगा? हेलो, ये पाई बॉन्ड बनेगा और यहां से एन पॉजिटिव लीव करेगा, बोलो हाँ? मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी बना, नाइट्रोजन बना सी एच थ्री सी एच थ्री सी थ्री एच सेवन, और यहाँ पे वाटर निकला, तो मेरे पास जो मेजर एल्कीन बना वही वाला बना, कोई डाउट? कोई डाउट? तो हाफ में एलिमिनेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन
और जो एन पॉजिटिव ग्रुप होता है दे शुड बी एंटायर पेरिप्लेनर टू ईच अदर. जब तक ये एंटायर पेरिप्लेनर नहीं होंगे तब तक वो लीव नहीं करेगा. अंडरस्टूड? एंड दिस इज द आरडीएस. तो ये सी एच बॉन्ड टूट रहा है. अगर सी एच की जगह सी डी डालता, सी डी बॉन्ड डालता, तो मेरे को आइसोटोपिक इफेक्ट मिलता. कौन सा इफेक्ट मिलता? तो सी डी वाला जो रेट है वो कम हो जाता. राइट राइट. आगे चले आगे चले. एक मिनट. हाँ सर, आप इसका रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या? हाँ भेजूंगा ना. क्यों? हाँ थैंक यू. मैं ये आज का थोड़ा हैवी है तो मैं घर पे रिवाइज करूँ. Yeah, to it, okay? Towards you. This is CH3 towards you. Away from you is hydrogen. This thing is H towards you. This is CH3 away from you. यहाँ पे CH3 ले लो. ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ इस रिएक्शन का ना एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवा रहा हूँ. क्या करवा रहा हूँ? अगर मैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवा रहा हूँ इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेस ऑफ किससे रिएक्ट करना, किससे रिएक्ट करना? CH3Cl से. तो यहां से क्या जाएगा? HCl निकलेगा, दोबारा से HCl निकलेगा, दोबारा से नाइट्रोजन अटैक करेगा. तो तीन CH3Cl एक्सेस में रिएक्ट कर रहे होंगे और फाइनली कोई भी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आया, अमोनिया मॉलिक्यूल तुम्हारा क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग यूजिंग लेट्स से मॉइस्ट Ag2O. अब क्या होगा? हॉफमैन एलिमिनेशन, राइट? मेरे को ये पहला कन्वर्जन समझ में नहीं आया. पहला कन्वर्जन समझ में नहीं आया, कार्बन अटैच क्यों हुई? किधर किधर? ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन पे अटैच क्यों होंगे? बेटा एक बात बताओ, अभी हमने क्या किया? कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल को CH3Cl के साथ रिएक्ट किया, तो बैक से अटैक करके Cl- से निकाल रहा था. यहाँ से एच जा रहा था, यहाँ से सीएल जा रहा था, फिर से एक और अटैक होगा, फिर यहाँ से एच जाएगा, फिर यहाँ से सीएल जाएगा, तो दो तो ऐसे ही आ गए. करेक्ट? तो सी क्यू सीएल आएगा ना? हाँ सीएल आएगा ना. आपने सी, अरे कार्बन आएगा ना, सीएल तो निकल रहा है ना,
जब भी दोबारा से बैक से अटैक करेगा हां एचसीएल फॉर्म हो रहा है। ओके ओके हाँ जी आंसर बताओ मॉइस इजी टू वो क्या करेगा जो ओएच माइनस है वो क्या करेगा यहाँ पे व्हाट ओएच माइनस विल डू हाँ जी देखो ये अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन है ये बीटा कार्बन है कहां से एच जाएगा कहां से एच जाएगा गाइस आई एम ऑडिबल मैं क्या पूछ रहा हूँ एच कहां से जाएगा नीचे ऊपर तो अपने आप को अनम्यूट रखोगे एक मिनट नीचे या ऊपर आई गेस मेरा नेट गया है आवाज आ रही है गाइस अच्छा नीचे से जाएगा कि ऊपर से जाएगा नीचे से ओके ग्रेट नीचे से ना पता है क्या जब भी इस टाइप के रिएक्शन हो ना तो सबसे पहले ना बीटा कार्बन चेक करो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन गेटिंग अ पॉइंट राइट हेलो हेलो हाँ जी हेलो गाइस आई एम ऑडिबल यस अबे यार तुम क्या कर रहे हो सुनो एक काम करो देखो भाई साहब चक्कर क्या है एक चीज समझो अगर ये अल्फा कार्बन है ये बीटा है और ये भी बीटा कार्बन है तो सबसे एसिडिक बीटा कार्बन कौन सा हो प्राइमरी या सेकेंडरी तो यहां से क्यों नहीं निकाला तुमने यहां से क्यों निकाला यहां से H निकलेगा H प्लस यहां पाई बॉन्ड बनेगा और ये निकलेगा तो मेजर कंपाउंड के अंदर तुम्हारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल एकदम इंटैक्ट रहेंगे ये CH3 रहेगा और यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2 बनेगा बात समझ में आई हाँ डन
डन इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले क्या करोगे? क्या है सबसे पहले क्या करोगे? NH2 के हाइड्रोजन निकाल के कार्बन डाल देंगे थी. कितने? तीन तीन. तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. करेक्ट. हाँ आप क्या करोगे? अभी OH माइनस जो है वो करेगा धमाल. क्या करेगा? स्लिप हो गया दिमाग से. क्या करेगा? गुड विदान क्या करेगा? छोड़ दो रहने दे अश्विनी. हाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालेगा. कहाँ से निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? सुपर वाले. वेरी गुड. अल्फा बीटा बीटा दिस इज मोर एसिडिक. मुझे ना कोई फिशर विशर बनाने की जरूरत सॉरी कुछ क्या कहते हो उसको वो बताने की जरूरत नहीं है. क्या कहते हो उसको? सॉर्ट्स. यहाँ से एच निकालो और यहाँ पे इसको निकालो बीच में पाई बॉन्ड बनाओ. जैसे पाई बॉन्ड बनेगा ये वाला मॉलिक्यूल एक कायरल हो जाएगा तो कायरलिटी चली जाएगी सिर्फ यहाँ पे कायरलिटी बचेगी. प्लेनर कार्बन आर नॉट एट ऑल कायरल. एक ट्रिटियम आएगा और CH2 बनेगा. आ समझ में आई? हाँ. वेरी गुड. सेम लॉजिक मैं हर एक जगह दे रहा हूं उसके बावजूद ये हाल है. बताओ यार अब बताओ क्या होगा? नीचे क्या नीचे वाले से जाएगा बट कौन क्या जाएगा नीचे से? ओके एक बात बताओ अगर इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवाया तो ये आएगा. बोलो हाँ. एक बार एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवाने के बाद अगर तुम अल्फा बीटा चेक करोगे तो मेरे पास अल्फा कार्बन ही है बीटा एक ही है. अब मुझे ना फाइनल स्टोइकोमेट्री देखनी है तो मुझे इसको सोहर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब सोहर्स में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे? कोई डाउट इसके अंदर? अब तुमको कौन सी चीज को अगर तो अब तुमको कौन कौन सी चीज को एंटायर बॉडी प्लेनर रखना है?
आगे वाले को 120 नीचे वाले को 120 नीचे 60 नीचे तो इसको मैं नीचे कर दूं तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा तुम्हारी तरफ पीछे की तरफ ट्रिटियम आ जाएगा ऊपर कर दूं हाइड्रोजन को बिकॉज बोथ ऑफ देम शुड बी एंटायर वेरी प्लेनर अगर ऊपर हाइड्रोजन आ गया तो तुम्हारी तरफ क्या आ जाएगा ट्रिटियम पीछे की तरफ ड्यूटेरियम आ जाएगा कोई डाउट अब यहाँ से एन पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से एच निकलेगा दोनों एंटायर वेरी प्लेनर होने चाहिए तो बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा जिस कॉन्फिग्रेशन में उस कॉन्फिग्रेशन में ही तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें टी पीछे की तरफ है टी तुम्हारी तरफ है मतलब इट शुड बी ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ट्रिटियम बात समझ में आई चले आगे अब गाइस एक काम करें सुनो हेलो माय नेट इज आई डोंट थिंक वर्किंग प्रॉपरली कल तुम्हारा क्या शेड्यूल है फ्री है फ्री हो ना रात को हाँ ठीक है वेदू फ्री है ना रात को वेदू फ्री है ना रात को अरे भूलता ही नहीं है यार वेदांत बाटी क्या बोला तुमने वो आई थिंक चला क्या बाटी उसका सोने में हम लोग स्कूल में फ्री है ना तू फुटबॉल खेलते हैं ठीक है वी विल कंटिन्यू टुमारो 10 o'clock 10 o'clock टू 11:30 ओके ठीक है बाय सर थैंक यू ओके हम लोग भी निकले क्या हाँ बाय सर कल मिलते हैं बाय